हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो एग्जाम्स बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी सीसैट हो, या फिर प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स हो। आप हर एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। नॉर्मल मेथड यहाँ पे काफ़ी लेंदी होगा, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितने पैसे के लिए, 5000 रुपये के लिए, और कितने साल के लिए, 1.5 ईयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है वो डिफरेंट है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है कंपाउंड इंटरेस्ट के, वहाँ पे था कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और इसको देखना है हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, और अगर हम लोग टाइम की बात करें तो वन एंड हाफ, मतलब इसको आप बोल सकते हैं 3/2 ईयर्स, और अगर हम लोग रेट की बात करें तो वो हो गया 4%, राइट। ओके, अब हम लोग ये समझते हैं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब होता है तो क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है जब कंपाउंडेड एनुअली होता है, और क्या डिफरेंस होता है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, राइट। ओके, सो हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, देखिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आधा हो जाता है, और टाइम जो है वो दोगुना हो जाता है। अब ये क्यों होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए जब कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब आपको एक साल में एक बार बैंक से मिलना है, आपको बैंक जो है एक बार इंटरेस्ट देगा इन वन ईयर, ओनली वंस टू बैंक, आपको एक ही बार बैंक जाना है और आपको बैंक एक बार इंटरेस्ट देगा। लेकिन अगर ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली का ये मतलब हुआ कि आपको जो बैंक में है दो बार जाना है, ट्वाइस इन ए ईयर, बिकॉज आपको जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। तो पहले आप बैंक में एक बार जाते थे, आप अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ले लेते थे, लेकिन अब क्या है, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो आपको बैंक में कितने बार जाना पड़ेगा, दो बार जाना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि आपका टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। देखिए पहले आप बैंक में बस एक बार जाते थे क्योंकि आपको कंपाउंडेड आपका जो क्या था, इंटरेस्ट जो था एनुअली कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन अभी क्या है, आपका इंटरेस्ट जो है क्या है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो आप बैंक में कितने बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पर टाइम जो क्या है, जब भी हाफ ईयरली होता है तो टाइम वहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और हम लोग रेट की बात करें तो देखिए बैंक जो है आपको पहले एक साल में सपोज़ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था, तो जब ये हाफ ईयरली है इसका मतलब क्या है कि आप बैंक में दो बार जा रहे हैं, आप एक साल में दो बार बैंक जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, हाफ ईयरली आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो पहले अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था, अगर आप दो बार बैंक जाएंगे तो बैंक आपको एक बार 2% देगा और एक बार 2% देगा, मतलब कहने का ये मतलब है कि हमारा रेट जो है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो हमारा रेट जो है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और टाइम क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि पहले आपको बैंक में बस एक बार जाना था कंपाउंडेड एनुअली, अगर हाफ ईयरली है तो आप बैंक में दो बार जाएंगे, और बैंक आपको पहले 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में दे रहा था, अगर आप हर 6 मंथ पे जा रहे हैं तो बैंक आपको क्या है, 2%, हाफ ऑफ, मतलब 4 का आधा देगा 6 महीने में, फिर उसके बाद क्या करेगा, आधा देगा, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखिए ये एक समझाने का तरीका है, आप अगर फार्मूला को लेकर सॉल्व करते हैं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, और हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम लेंदी मेथड से सॉल्व नहीं करना है। तो अब देखते हैं टाइम क्या है, यहाँ पे 3/2 है, तो ये हो गया 3/2 × 2, ये हो गया 3 ईयर्स टाइम हो गया, और रेट की बात करें तो 4/2 2% हो गया। अब देखिए टाइम हमारा कितना हो गया, 3 ईयर्स, तो अब हम लोग को जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो कितने साल के लिए निकालना है, 3 ईयर्स के लिए निकालना है। तो 3 ईयर्स के लिए 3a + 3b + c हो जाएगा, जहाँ पे a क्या होता है, p × r/100 होता है, b क्या होता है, a × r/100 होता है, और c की बात करें तो b × r/100 होता है। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं इसको समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू जो p × r/100, p क्या है 5000, r क्या है, r हमारा अब हो गया है 2/100, ये टोटल क्या हो जाता है, a हो जाता है। अब देखिए 3b क्या होता है, a × r/100, तो मैं नीचे लिख देता हूँ b को, सो 3b, सो 3 × 5000
इंटू 2/100 इंटू 2/100 हो गया। ये टोटल हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए यहाँ से सी क्या होगा, सी का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। सी का वैल्यू यहाँ पे काफ़ी छोटा आएगा, देखिए 5000 इंटू 2/100 इंटू 2/100 बी, तो ये हमारा बी हो गया, इंटू आर बाई 100, तो आर क्या है 2/100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 20 से 20 चला गया, 50 × 2 = 100, 100 × 3 कितना हो गया 300 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 20 से 20 चला गया, फिर ये 50 टू टाइम्स चला गया, और ये 2 से 2 चला जाएगा, 3 × 2 क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए 20 से 20 चला गया, फिर यहाँ से 10 से 10 चला गया, फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 2 × 2, 5 × 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो गया 20 × 2, और नीचे क्या था 100 था। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से 0 चला गया, ये 4 से क्या हो जाएगा 25 टाइम चला जाएगा। अब ये बताओ 1/25, तो ये हो गया 300 + 6 और 1/25 हो जाएगा 0.04। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 306.04, और जो कि ऑप्शन भी क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है तब वैल्यू क्या है 306.4 हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000। सो आपको कितने रुपये पर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट 16,000 रुपीज़ पे। रेट क्या है हमारा 20% है, और टाइम क्या है 9 मंथ। अगर 9 मंथ को अगर हम लोग ईयर में कन्वर्ट करें, सो 9/12 ईयर हो गया हमारा ये, राइट ओके। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 ईयर, 3 × 3 and 3 = 4 जा, सो 3/4 ईयर हो गया, राइट ओके। सो फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कर दिया गया है कंपाउंडेड क्वार्टरली, राइट ओके। सो इसका क्या मतलब हुआ, अब हम लोग ये समझते हैं। सो कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब हुआ कि अब आप बैंक में कितने बार जाएंगे एक साल में, अब आप बैंक में हर एक क्वार्टर में जाएंगे, इसका मतलब है कि अब आप बैंक में 4 times जाएंगे, राइट ओके। आप पहले बैंक में जब कंपाउंडेड एनुअली था तो आप बैंक में एक बार जाते थे, बैंक आपको एक बार रेट और प्रिंसिपल, आपको इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल देता था। अब आप बैंक में 4 times जा रहे हैं, क्योंकि क्या है जो कंपाउंडेड है ये क्वार्टरली हो रहा है, राइट ओके। देखिए हमारा यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा वो 4 times से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि हम अब बैंक में 4 बार जा रहे हैं एक साल में, क्योंकि ये क्या है क्वार्टरली है। अगर हम लोग रेट की बात करें तो पहले देखिए बैंक 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था एक साल में, लेकिन जब आप बैंक में 4 बार जाएंगे तो बैंक आपको 20% नहीं देगा, बैंक आपको 20/4 मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो हमारा जो रेट है वो क्या हो जाता है R/4 हो जाता है, सो 20/4 ये कितना हो गया 5% हो गया। अब देखिए टाइम जो क्या है वो 4 times हो गया है, तो इसको जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 से 4 चला गया 3 years, मतलब अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो कितने साल के लिए निकालना है, हम लोग को 3 years के लिए निकालना है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 3 years के लिए क्या होता है 3A + 3B प्लस क्या हो गया C हो गया, राइट ओके। यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे, 3A + 3B + C होता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं C का वैल्यू क्या है बहुत ही स्मॉल होता है। अब देखिए 3A क्या हो गया P × R/100, सो 1600 × 5/100, क्योंकि अब हमारा रेट क्या है, अब हमारा रेट है 5%, राइट ओके। नाउ 3 × B, तो B क्या होता है A × R/100, तो ये हमारा हो गया A हो गया, और ये क्या हो गया R/100 हो गया, और C की बात करें तो ये क्या होता है B × R/100 होता है, राइट सो ये हमारा हो गया R/100 लास्ट का। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 20 से 20 चला गया, 16 × 5 = 80 होता है, 80 × 3 क्या होता है 240, 240 एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है तो वो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ये 20 से 20 चला गया, उसके बाद आप देखिए ये 25 हुआ, 25 से ये 4 times चला गया, ये 4 से 40 times चला गया, सो 40 × 3 क्या हो गया 120 हो गया। तो अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये क्या हो गया 0252, सो 2520, ये लास्ट वाला जो है बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन 2 क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 20 से 20 चला गया, ये 25 से 4 times चला गया, ये 4 से 40 times चला गया, राइट ओके। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 से 20 times चला जाएगा, ये 20 से 2 times, तो यहाँ पे 2 आ जाता है, तो टोटल ऐड कीजिएगा तो 2522। देखिए सी का वैल्यू क्या है बहुत ही स्मॉल है, और इस केस में हमारा ऑप्शन 2 क्या है करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये
क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ट्रिक समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।